तो यार आज हम एक और मोबाइल ले आए रिव्यू के लिए। तो 2022 में हम देखना चाहते हैं कि पोको X3 GT हमें क्या स्कोर निकाल के देता। आज भी इसकी पावर उतनी है कि नहीं जितनी ये पहले लेके आया था। कंपेयरिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, रिव्यू भी करेंगे। ये हमारे पास पोको X3 GT 5G है, बहुत से लोगों ने इसको देखा भी और ये एक साल पहले डिवाइस आ चुकी है, तो ज्यादा इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पोको X3 GT हमारे पास 256 GB वाला ये वाला वेरियंट है और ये 8GB इसकी रैम है। तो अब हम ज्यादा नहीं इसकी बात करते और आपका भी टाइम नहीं वेस्ट करते, अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। It's all about humanity. तो फ्रेंड्स हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। 5G हमें देखने को मिल रहा है इसका, इसकी कनेक्टिविटी जो कि बहुत अच्छी बात है। और पोको X3 GT क्लाउड वाइट 8/256 की स्टोरेज है। बॉक्स को नहीं ज्यादा डिस्कस करेंगे, मैट फिनिशिंग देखने को मिल रही है और ये डिवाइस ना यूज्ड में हमें देखने को मिल रही है। यूज में डिवाइस है तो मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ, मार्केट से कहीं से भी नहीं मिल रही थी। तो अब हम इसे कर लेते हैं रिव्यू इसका। ये चीजें तो इसकी ज्यादा नहीं है देखने वाली। ये हमें चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 67 वाट का चार्जर है, ठीक है। ये 67 वाट का हमारे पास चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि हैवी है थोड़ा सा, और इसकी लीड भी है नहीं कुछ देखने वाली इसकी हालत। तो हम इसे साइड पे कर लेते हैं, यूज डिवाइस जो है इसलिए। तो अब ये आ जाते हैं जी डिवाइस की तरफ। डिवाइस हमें सबसे पहले मैं इसकी ना आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास प्लास्टिक इसकी बैक है, कोई इसमें ग्लास वाली फील नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ग्लोसी लुक दे रही है। कैमराज आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर 64 मेगापिक्सल का कैमरा, नीचे 8 मेगापिक्सल का और उससे नीचे 2 मेगापिक्सल का हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा है। फ्लैश लाइट इसमें हमें ना एक ही देखने को मिलती है जिसमें 2 LED लाइट्स लगी हुई है। तो और फ्रेम इसका जो सा प्लास्टिक फ्रेम है, साइड पे हमें सेम इंजेक्टर टूल मिलता है। ऊपर स्टीरियो स्पीकर, यानी कि स्टीरियो स्पीकर है, नीचे भी है और ऊपर भी है। पोको X3 Pro में ग्रिल में था और इसमें जरा उन्होंने अलग से दे दिया। साउंड क्वालिटी अभी देख लेते हैं इसकी क्या है। और ये साइड पर ये हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहा है और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज देखने को मिल रही है। ये हमें देखने को इसका मिल रहा है कि इसका जैक, इसका टाइप सी का जैक। और हाँ आपको इसका ये बता दूं कि इसमें ना हैंड फ्री जैक नहीं देखने को मिलता, कनेक्टर से आप इसमें हैंड फ्री को कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, बाकी तो अच्छी है डिवाइस। नीचे भी हमें स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं डिवाइस को। तो इसकी जरा मैं ओपन कर लूँ इसे। तो फ्रेंड्स हम इसकी स्क्रीन लॉक स्क्रीन खोल लेते हैं, ये हमारी ओपन हो चुकी है। तो इंटरफेस काफी हद तक वही है, वही UI है तो वही देखने को मिलेगा। तो अब हम सेटिंग में आगे देख लेते हैं अबाउट फोन में। MIUI का ना 13.6 वाला वेरिएंट इसमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो 256 वाला वेरियंट है, 66 ही हमारी ओकुपाई स्पेस है, बंदा इतना नहीं चलाता होगा जिससे हमने लिया। तो ये देख सकते हैं 8+3GB इसमें रैम है। पबजी पहले इंस्टॉल थी तो मैंने फिर इसे रीसेट नहीं किया। तो एंड्रॉइड 12 पर बेस ये वाला हमारे पास वेरिएंट है। तो अब इसका हम स्क्रीन डिस्प्ले जो सा है ना इसका 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। डिस्प्ले की आपको बताता हूँ कि क्या इसमें एबिलिटी है। डिस्प्ले जो सा हमारा है ना गोरिल्ला ग्लास विक्टस, क्या हमारे पास इसमें प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है कॉर्निंग में, जो कि ना एक फ्लैगशिप लेवल की प्रोटेक्शन है, बहुत कमाल की प्रोटेक्शन। और इसकी ब्राइटनेस भी काफी हद तक बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और ये डिस्प्ले काफी स्मूद हो गया 120 हर्ट्ज पर। तो अब हम इसका मैं आपको AnTuTu बेंचमार्क चेक करवा देता हूँ कि क्या इसमें स्कोर देखने को मिला। तो ये देख सकते हैं 598,703 हमें स्कोर देखने को मिला पोको X3 GT का, जो कि पोको X3 Pro के मुकाबले में काफी ज्यादा है क्योंकि उसका 524,000 स्कोर था। तो अब हम इसका गेम टेस्ट करते हैं क्योंकि आप जारी सी बात है गेम टेस्ट के लिए देख रहे होंगे। तो अब हम पबजी मोबाइल का गेम टेस्ट कर लेते हैं इसमें कि क्या इसमें देखने को मिल जाता। तो गेम हमारी स्टार्ट हो रही है, काफी जल्दी इसमें हो गई है और इसमें भी वही गेम टर्बो वाला फीचर देखने को मिल रहा है। तो दोनों एक ही डिवाइस है, एक ही कंपनी की डिवाइस है, तो सारी बात है इसमें लेट होगी। पोको X3 GT पोको X3 Pro का जो सा अपर वेरियंट है, यानी कि उसके बाद आया है अपने मॉडल है, इसकी 44% बैटरी है अभी। तो गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग दिखाता हूँ। ये हमारी सेटिंग है ग्राफिक्स, और ये देख सकते हैं आप कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, बैलेंस प्लस अल्ट्रा देखने को मिल रहा है, HD+ अल्ट्रा, HDR+ अल्ट्रा देखने को मिल रहा है।
जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें जायरो भी हार्डवेयर वाला, वो आपको मैं टेस्ट वहाँ पर करवाता हूँ। सबसे पहले स्मूथ एक्सपीरियंस चेक करेंगे कि क्या इसमें परफॉर्मेंस देता है, डिवाइस देती है। काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिल रही है और शार्प, काफ़ी हमें ना शार्प हर चीज़ देखने को मिल रही है। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं गेम टेस्ट। साउंड इसका मैंने फुल कर दिया, करीना हमने ज़रा चेक कर रहे हैं, इसकी ज़रा ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेता हूँ, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है। तो भाई लोग ये जो उनसे है ना, इसका जायरो बहुत कमाल का जायरो, ये देख सकते हैं आप, हार्डवेयर बेस्ड जायरो है। जायरो में किसी किस्म का ना डिले नहीं देखने को मिल रहा, फुल आपको ना कमाल की डिवाइस है। पोको एक्स थ्री प्रो इन्फिनिक्स 05G के बाद, पोको एक्स थ्री प्रो और 05G के बाद अगर आप देखेंगे ना कोई और, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो ये वाली डिवाइस अच्छी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारा मैच ना एंड होने वाला है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। 60 FPS केबल प्रोवाइड कर रहा है, 59, 60, 61 ऐसे में FPS इसे हो रहे हैं, अच्छी गेम परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मारना तो बढ़ेगा भाई यार, ये पोको एक्स थ्री जी टीवी ना एक पावरफुल डिवाइस देखने को मिल रही है। इसका पोको एक्स थ्री प्रो के साथ ना मुकाबला तो इसका फिर बनता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल डिवाइस है, वो भी पावरफुल डिवाइस है। दोनों का हम चेक कर लेंगे स्पीड टेस्ट वगैरह भी। तो फिलहाल के लिए हमारा मैच हो चुका पूरा, और ये MVP भी मैं ही बनाऊंगा, प्रॉमिस। हमें ना मुझे आज जरा सुपर सुपर लग गया, ये हमारा ये मैंने मैच बंद कर दिया। अब हम लिविक जरा चेक ट्राई कर लेते हैं, यस तो लिविक आप स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी ने इसकी परफॉर्मेंस हमें दी है KDM में। अगर हम क्लासिक में चेक करते हैं क्या ये इसके FPS वगैरह देखते हैं, कोई FPS ग्रोथ तो नहीं मिलता, सही है। पूरी मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, दो दिन हम खड़े हुए हैं फिलहाल, तो कोई भी नहीं आया लगता, किसी की भी नहीं स्टार्ट हुई हमारी सबसे पहले ही गेम। 44 सेकेंड्स पर गेम हमारी ऑन कर दी है इसने। अब यहाँ से जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी जल्दी इसने गेम ऑन की है। फ्रेंड्स मैच हमारा स्टार्ट होने लगा एक सेकंड। तो फ्रेंड्स यार अब हम एयरप्लेन में हमारे हो चुका स्टार्ट मैच, तो देखते कहाँ पे उतरना। क्रैप ग्रास पर हम जरा लैंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ही जरा रशी एनवायरमेंट होगा, तो क्लाउड्स की क्वालिटी वगैरह स्मूथ के लिहाज से बहुत अच्छी देखने को मिल रही, चेक कर सकते हैं। ऊपर से रेंडर हो चुके हैं सब कुछ, सारे ग्राफिक्स, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इस प्रोसेसर की। डोमेंसिटी 1100 है, 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो सारी बात है यार भाई अच्छी इसने परफॉर्मेंस प्रोवाइड करनी है। तो फ्रेंड्स हमारा मैच एंड हो चुका है, बहुत अच्छी इसने परफॉर्मेंस प्रोवाइड की है। डिवाइस को मारना पड़ेगा कि अच्छी इन्होंने जरा ना इसमें चिपसेट प्रोवाइड की है। अब तो बहुत ज्यादा महंगी साइड पर चले गए सारे मोबाइल्स, तो अगर आपको ये यूज कंडीशन में मिलता है ना पोको एक्स थ्री प्रो और इन्फिनिक्स 05G के अलावा, ये वाली डिवाइस बहुत अच्छा ऑप्शन है। डायमेंसिटी 1100 का, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ ये प्रोसेसर है। तो आपको मैंने इसका टू बेंचमार्क भी चेक करवा दिया है, हमें 120Hz का डिस्प्ले और इसमें हाइब्रिड सिम कार्ड देखने को, यानी कि डुअल सिम कार्ड है इसमें डलता है, और इसमें मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट हो जाता है बहुत आसानी से, और ये 5G या डुअल 5G देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छे इसने हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड की, मैं इसके और भी कंपैरिजन भी प्रोवाइड करूंगा, और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। डिवाइस हमें बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके। We'll be right back.